नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्थ, और मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आज मैं किसी टॉपिक को लेके आपके सामने प्रेजेंट नहीं हूं। एक्चुअली आज मैं आप लोगों को, मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मेरे पास में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी जो एक CRPF के अंदर पैरामेडिकल 2020 जो वैकेंसीज निकली हैं उनके बेस पे मेरे पास में बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, क्योंकि इसमें ASI जो एक लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, जनरली जैसे कि मेरा चैनल है, मैं एक लैब हॉस्पिटल के अंदर जो लेबोरेटरीज होती है, जो पैथोलॉजी लेबोरेटरी होती है, उसके अंदर की मैं आपके सभी टॉपिक्स जो होते हैं उनके बारे में बताता हूँ, जो उनके टेस्ट होते हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा उससे जो रिलेटेड जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें ASI जो असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर, उसके बेस पे मैं उसमें लैब टेक्नीशियन की वेरियस वैकेंसीज हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कहा, पहली बात तो उन लोगों के ये सवाल थे कि अभी उन्होंने ये लास्ट अगस्त है उसमें इसका फॉर्म फिल किया और उसके बाद अभी तक उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो दोस्तों देखिए, ये सारी बातें बताने से पहले, सबसे पहले तो आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सबके लिए, क्योंकि जल्द ही इसके एग्ज़ाम और फिजिकल एग्ज़ाम जो है वो होने वाले हैं। इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे टेक्निकल हेल्थ चैनल की तरफ से। अब इसके बाद बता देता हूं दोस्तों आपको कि जो बहुत से लोगों के क्वेश्चंस ये हैं मेरे पास में कि सर जो इसका फिजिकल एग्ज़ाम होने वाला है वो 19 दिसंबर का है, बट अभी तक हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है और अब कुछ ही दिन बचे हैं, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो वो मतलब इसी तरीके की परेशानी में वो जूझ रहे हैं कि क्यों नहीं आया है। कुछ लोगों का आ गया है, कुछ दोस्त हैं आपस में उनका एक का आ गया एक का नहीं आया, तो वो परेशान है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपकी ये परेशानी दूर कर दूँ कि देखो, जब हम कोई भी ऑफलाइन फॉर्म फिल करते हैं, देखो ऑनलाइन में तो ऐसा होता है कि टोटल सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, एक क्लिक में वो जितने भी स्टूडेंट जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सबके पास में एडमिट कार्ड पहुंच जाता है जो उनकी ऑफिशियल साइट होती है उससे। बट ऑफलाइन में क्या होता है कि वो सेपरेटली इंडिविजुअली सबको वन बाय वन करके वो एक साथ अपने यहाँ से तो डिस्पैच करते हैं, बट क्या होता है कि किसी की जो लोकेलिटी है वो पास में है, किसी की दूर है, तो उनके पास में जो उनके जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके थ्रू वो जाते हैं। अब उन्हीं में 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 दिन का डिफरेंस हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि उनका एडमिट कार्ड आएगा नहीं। तो इस चीज़ को दिल और दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपका एडमिट कार्ड आएगा नहीं, एडमिट कार्ड आएगा, बेशक किसी का आज आ गया है और किसी का 2, 3 या 4 दिन बाद आएगा ज़रूर। लेकिन अगर हाँ कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक आपके फॉर्म में हो गई है तो उसको हम, वो एक अलग बात होती है रिजेक्ट होने की वाली, अगर वो भी रिजेक्ट होगा तो वो भी आपका वापस आपको मिल जाएगा। तो ये तो जो लोगों के दिमाग में ये गलत भ्रांति है उसको मैं दूर कर देता हूँ कि एडमिट कार्ड नहीं आएगा, वो ज़रूर आएगा एडमिट कार्ड आपका, इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब दोस्तों इसी के साथ में, जब मैं, मेरे पास में क्वेश्चन सिर्फ इसी से रिलेटेड थे, बट मैं अभी थोड़ी और चीज़ें आपको बता दूं क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं, तो थोड़ी चीज़ें हैं जो अगर आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें तो बहुत अच्छा होगा और थोड़ी जनरल सी बातें हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो SI और ASI और हेड कॉन्स्टेबल, इस टाइप की बहुत सारी वेरियस वैकेंसीज निकली हैं जिसमें टोटल 789 वैकेंसीज हैं जिनके ऊपर ये एग्ज़ाम होने वाला है, ये सारी जिसमें कि जो हमारी ASI लैब टेक्नीशियन वाली है उसके अंदर 64 वैकेंसीज हैं, 64 वैकेंसीज है। अब दोस्तों देखिए, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने अगर फॉर्म फिल किया है और अब आप जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आने वाले हैं, फिजिकल एफिशिएंसी हो या फिर वो आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो, तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, तो आप अपने आप को काम डाउन कीजिए और उसके बाद में मेरी ये पूरी वीडियो देखना कि आपको कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी, करने को मिलेंगी, और जो आपको करनी है, महसूस करनी है और उनको क्लियर करना और ये अचीवमेंट प्राप्त करनी है आपको। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसमें रिटर्न एग्ज़ाम से पहले आपकी फ़िजिकल एफिशिएंसी देखी जाएगी, जो आपका फ़िजिकल एग्ज़ाम होगा वो पहले होता है। जनरली जो ASI लैब टेक्नीशियन के लिए है वो 19 दिसंबर को, तो उसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या है इसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिकल एफिशिएंसी में आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। देखो जनरली तो इसमें सबसे पहले तो आपकी एज,
जो एज है वो आपकी 20 to 25 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसमें रेस है, पहले नंबर पे जो है वो रेस होगी। रेस में क्या है, दो कैटेगरी दी गई है उसमें, मेल और फीमेल। मेल के लिए क्या है, मेल के लिए इसमें 1.6 यानी कि 1 माइल जिसे हम बोलते हैं 1600 मीटर की रेस होगी, जो कि उनको 7.5 यानी कि 7.5 मिनट में कंप्लीट करनी है, 7 मिनट 30 सेकंड में उसको कंप्लीट करना है। वहीं फीमेल की बात कर लें तो उनके 800 मीटर की रेस होगी जो कि उनको 6 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद होगा दोस्तों उसमें, इसके बाद होती है आपकी लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में क्या है, लॉन्ग जंप जो मेल कैटेगरी के लिए है वो होगी 10 फीट, आपको 10 फीट की लॉन्ग जंप 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे उसमें कंप्लीट करनी होगी। और फीमेल्स कैटेगरी के लिए क्या होगा, उसमें 6 फीट की लॉन्ग जंप होगी जो कि आपको 3 चांसेस में कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद होगी हाई जंप जो कि मेल कैटेगरी के लिए होगी 3 फीट, 3 फुट की हाई जंप होगी, वो आपको 3 चांसेस में कंप्लीट करनी होगी, आपको 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल कैटेगरी के लिए क्या होगा, 2.5 फिट की वो होगी यानी कि 2.5 फिट की आपकी हाई जंप होगी, वो भी आपको 3 चांसेस में कंप्लीट करनी है, आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। दोस्तों ये तो रही फिजिकल एफिशिएंसी की बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो फाइनल है वो 20 दिसंबर को रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक कुछ लोगों को इसी भ्रांति में है, उनको यही नहीं पता है कि मतलब कि हमारा जो सिलेबस है वो किस बेस पे आएगा, कौन किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखो जो ASI लैब टेक्नीशियन के लिए जो क्वेश्चन पेपर तैयार होगा उसमें 2 पार्ट में वो बनाया गया होगा, उसमें ए और बी पार्ट होंगे। जो ए पार्ट होगा उसमें 4 कैटेगरी होंगी यानी कि 4 टाइप्स के उसमें क्वेश्चन आएंगे, और जो बी पार्ट होगा उसमें 1 कैटेगरी होगी, उसमें 1 टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ए कैटेगरी में कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपसे पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के क्वेश्चन, जो 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस या GK, वो भी 10 मार्क्स की होगी। देन उसके बाद जो है वो आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होंगे जो कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और लास्ट में जो है वो आपके हिंदी और इंग्लिश कंप्रहेंशंस जो कि 10 मार्क्स के होंगे। तो ये टोटल आपके हो गए 50 मार्क्स। अब इसके बाद जो पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर आपके जो ट्रेड, जो आपके प्रोफेशंस होंगे उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। इट मीन्स कि आप प्रोफेशंस का मतलब यानी कि अगर आप लैब टेक्नीशियन हैं तो आपके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, अगर आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हैं तो आपके उससे, अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपके उससे, जो भी ट्रेड होगा जो भी प्रोफेशन होगा उससे रिलेटेड 50 मार्क्स आपके वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके पास में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि आप जिस लाइन से हैं आपको आधे से ज़्यादा पेपर, मतलब आधा ही पेपर तो आपको उसी में देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसके टाइमिंग जो होगी वो आपकी 120 मिनट्स होगी, यानी कि आप यूँ कह लीजिए कि 2 घंटे का आपके पास में टाइम होगा। आपको इन 2 घंटे में ये टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको कुछ और एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा कि देखो जो इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं वो 10th+2 यानी कि 12th के बाद इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं। बट जिनके पास में एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स के अंदर 2-3 साल 4 साल उन्होंने वर्क किया है, उनके लिए क्या प्लस पॉइंट है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। देखो अगर आपको मान लो कि आप लैब टेक्नीशियन हैं, आप ASI लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या है कि अगर आपने हॉस्पिटल लेबोरेटरीज के अंदर काम किया है, आपको नॉलेज है हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल्स के अंदर होने वाले वर्क, उसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, अगर आपको उसकी नॉलेज है तो उसके लिए आपको अलग से 10 मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरा अगर आपको जितने भी इक्विपमेंट्स वो हैंडल करने आते हैं उनको आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में पता है, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पता है, उसके लिए अलग आपसे आपको मतलब उसके लिए अलग एक वाइवा टाइप का आपका होगा, अगर आपको उसकी नॉलेज है तो उसके लिए 5 मार्क्स आपको अलग से मिलेंगे। और दूसरा अगर आपको टोटल एक्सपीरियंस है यानी कि 2 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसके अलग 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको 20 मार्क्स और बेनिफिट होने वाला है।
तो दोस्तों मैं आप लोगों से मेरी ये ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं, बिल्कुल भी मतलब हाइपर नहीं होना है आपको, बहुत आपका पूरा पूरा कंसंट्रेशन आपका उसी के ऊपर होना चाहिए, एग्ज़ाम के ऊपर और आपके फिजिकल एफिशिएंसी के ऊपर। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर कामयाब होंगे, कभी भी मेहनत जो है वो सफलता से दूर नहीं होती है। इसलिए दोस्तों आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में बस इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको जो भी जानकारी दी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।